हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। नॉर्मली फ्यूचर टेंस का मतलब आप सब लोग ये जानते होंगे कि यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसे कई सारे टेंसेस हैं जो फ्यूचर में ना लिख के हम उन्हें डिफरेंट तरीके से लिखेंगे ना, तब भी उनका जो मीनिंग होगा, जो अर्थ जाएगा, वो हमेशा फ्यूचर में ही जाएगा। और लगभग हिंदी अर्थ उन सबका सेम रहेगा, मिलता जुलता है ना। तो आज हम आपको यहीं पर बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टेंस हैं या कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनमें हम फ्यूचर की बात करते हैं बिना फ्यूचर टेंस को लिखे, यानी कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी बिल और सेल का प्रयोग न करने के बजाय हम अन्य टेंस का प्रयोग करें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस लिए बनाया जाता है? जनरल ट्रुथ बताने के लिए, रिपीटेड एक्शन बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से भी हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी सेंटेंस आपका लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसका जो मीनिंग होगा, जो सेंस जाएगा ना, वो फ्यूचर से हो जाएगा। ठीक इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो बहुत ही बड़ा मीडियम है फ्यूचर टेंस बताने का। मोस्टली लगभग जो हमारे वर्क, पर्सनल वर्क होते हैं ना, उन्हें जो हमें फ्यूचर में करने होंगे, लगभग 90% वो सारे कार्य आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं रादर देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बताते हैं कि फ्यूचर टेंस कितने तरीके से बताया जा सकता है। मैंने यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर को बता सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होगा और उसका जो मीनिंग होगा वो आएगा फ्यूचर टेंस में। चलिए, तो यहां पर वन बाय वन में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो यहां पर मैं सबसे पहले बताता हूं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरत होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आई एस वर्ब में और ऑब्जेक्ट, इसी तरह से बनाते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में आपका अरेंजमेंट हो, फ्यूचर का प्लान हो, कैसा हो, अरेंजमेंट में हो, है ना, या एक ऐसा प्लान जिसके चेंज होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, है ना, या टाइम टेबल्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे ट्रेन के आने जाने का समय, प्लान के आने जाने का समय, स्कूल हमारा ओपन होता है उसका टाइम, ये सारी बातें एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर में बताना चाहते हो। जैसे मान लो कि अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद रीओपन स्कूल होंगे 1 जुलाई को या 1 अप्रैल को, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है हिंदी में कि हमारा विद्यालय 1 अप्रैल को खुलेगा, तो हिंदी में तो कहां पहुंचे हम, फ्यूचर में, गाड़ी की आ गया। लेकिन इस टेंस को यदि आप बिल सेल से बनाओगे ना, तो ये टोटली गलत होगा, क्योंकि टाइम टेबल एक्शन है और टाइम टेबल एक्शन बनाए जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें क्या लिखना पड़ता है? अवर स्कूल रीओपन्स ऑन 1 अप्रैल, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका आप हिंदी अर्थ निकालें, क्या आएगा कि हमारा विद्यालय 1 अप्रैल को दोबारा शुरू होगा। यदि आप इसे बिल सेल से लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह प्लेन के आने जाने का समय, ट्रेन के आने जाने का समय, और इवन आपका भी जो पर्सनल है, लेकिन उसके चेंज होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी ना, उस बात को भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ले सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर सिंपल को बता सकते हैं, है ना। यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसका मींस किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ पास्ट में भी हो सकता है। जी हां, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो उसका अर्थ, जो सेंस है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े हैं? यदि नहीं पढ़े हैं तो आप एक परिचय कीजिए, और यदि आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलती है, और उसका जो सेंस होता है वो आपको मिलेगा
किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, मेरे पास न्यूज़पेपर है उसी को मैं बताता हूँ। ओके, मेरे पास इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया है और कुछ हेडिंग्स मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जी आप भी कोई परचेज कीजिए और देखिए, या मुझे मिल गया यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है कि सिंधिया रिपीट्स हिट द स्ट्रीट वो नो कमेंट सेज कांग्रेस, यानी सिंधिया ने कहा कि वो गली में आएंगे, ये बोली, लेकिन क्या और कांग्रेस क्या कहती है इस पर उन्हें कोई कमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सिंधिया आपका सब्जेक्ट रिपीट्स, लेकिन ये बात कब की है, ये कल की बात हो रही है ना, और यहाँ पर लिखी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है ना। इसी तरह की आप कई सारी हेडिंग्स देख सकते हैं, और जहां पर प्रेजेंट इंड या एक और रूल मिला हमें यहां पर, 2.9 लाख स्टूडेंट टू अपीयर इन एमपी बोर्ड दिस ईयर रूल है। अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं, इसका अर्थ भी फ्यूचर से आ रहा है ना। यहां पर मैंने लिखा हुआ, आप देखिए सबसे एच नंबर का जो लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव, यहां पर देखिए 2.0 लाख स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, टू अपीयर क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया इन्फिनेटिव, इन एमपी बोर्ड दिस ईयर, यानी कि इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड में यानी एग्जाम में 290,000 स्टूडेंट अपीयर होंगे। अभी हुए तो नहीं ना, एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है हमारी फ्यूचर की। जरूरी नहीं है सेंटेंस में विल से लगा हो तभी उसे फ्यूचर बनाया जाएगा, डिफरेंट तरीके से भी फ्यूचर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विल प्लस इन्फिनेटिव यूज्ड फॉर इंटेंशन, आपका इंटेंशन बताने के लिए विल प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, आई विल सेल माई कार, आई विल सेल माई कार मीन्स आई इंटेंड टू सेल माई कार, इसका मीनिंग क्या है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, आई इंटेंड टू सेल माई कार। तो यहां पर बिल प्लस सेल क्या शो कर रहा है, इंटेंशन शो कर रहा है, दैट मीन माई इंटेंशन इज टू सेल माई कार, यही होगा ना। तो यानी कि आप देखें बिल प्लस सेल से भी आप फ्यूचर बना सकते हैं जहां पर इंटेंशन शो होता है। तो नेक्स्ट आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि ये लिखा है हमारा थर्ड नंबर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत बड़ा मीडियम है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने का। होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई काम आपने ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिया है और आने वाले समय में आप उसे करेंगे, और उस काम के लिए आपने अरेंजमेंट भी कर लिया, मतलब समथिंग यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड इट, ठीक है ना। तो वो ऐसे एक्सप्रेशन को बताने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए आप कभी भी बिल या सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलूं, आई एम सेलिंग माई कार, ओके, या टुमारो या नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट मंथ लिख देता हूं, नेक्स्ट मंथ, ओके। तो इसका क्या मीन्स होगा, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने अपनी कार बेचूंगा, मीन्स तो वही है ना, नेक्स्ट महीने कोई काम होगा तो फ्यूचर में ही होगा, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, और ना ही ये काम अभी चल रहा है, नहीं आप सोचिए इसमें रहा रही रहे इस तरह से आप निकालें तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो ये एक्शन जो है ना वो फ्यूचर में यानी नेक्स्ट मंथ होगा। और अब इसमें सेंस क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी कार को बेचने का डिसाइड कर लिया है, कार को बेचने के लिए अरेंजमेंट भी कर लिया, मतलब हो सकता है मुझे बायर भी मिल गया हो। यदि बायर नहीं मिला है तो दूसरा टेंस बनेगा, यदि बायर यानी अरेंजमेंट, मतलब बायर क्या है आपका, खरीदने वाला व्यक्ति वो फोन है, वो अरेंजमेंट है, और डिसाइड आपने बेचने का किया है। तो यदि आपने डिसाइड भी कर लिया है और आपको खरीदने वाला भी मिल गया है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं गोइंग टू के द्वारा भी फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे यदि इसी बात को मैं ऐसे बोलूं, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, इसका मीन्स होगा कि आई हैव डिसाइडेड टू सेल माई कार,
लेकिन अभी तक हो सकता है मुझे बायर ना मिला हो, खरीदने वाला ना मिला हो। जब तक मुझे खरीदने वाला नहीं मिलेगा तब तक मैं इस बात को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बता सकता। अब बी प्लस गोइंग टू और इन्फिनेटिव इसका यूज किस में होता है? फ्यूचर में तो होता है, कई बार एग्जाम में मिलता है, इसे रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस होगा? आपसे कई बार कहा जाता है इसे फ्यूचर इंडेफिनेट बनाओ। कैसे बनाओगे? तो सिंपली हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सेल सेल माई कार, दोनों का मीनिंग सेम है, एग्जाम में मिलते हैं। रिप्लेस करने के लिए कि इंप्रूवमेंट करने के लिए इंप्रूव कर लें सेंटेंस को, तो आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बी गोइंग टू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सेल से। मतलब जो अर्थ इसका आ रहा है वही अर्थ इसका भी आ रहा है, तो ये भी तो फ्यूचर का सेंस देगा ना, और ये भी फ्यूचर का सेंस देगा। कहने का मतलब है कि केवल बिल और सेल के माध्यम से आप फ्यूचर टेंस नहीं बनाते। और देखें, चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस। यदि हम ये कहें आई सेल गो टू माई विलेज टुमारो, आई शैल गो टू विलेज टुमारो मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बनाना चाहते हैं तो एक रूल मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा है कि एक ऐसा एक्शन जो आपने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड किया है, जो आपने पहले से डिसाइड नहीं किया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जितने भी एक्शन डिसाइड होते हैं वो सारे के सारे फ्यूचर के, वो सारे के सारे एक्शन आप हमेशा प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज उन्हें करेंगे। जैसे अब मैंने बोला आई शैल गो टू माई विलेज टुमारो, आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, यहां पर पढ़ा रहा हूं। अब मैं बोलूं कि आई विल नॉट टेक ये नेक्स्ट क्लास, ओके, मैं अगली क्लास नहीं लूंगा बिकॉज आई विल गो टू माई विलेज टुमारो, क्योंकि मैं कल अपने गांव जाऊंगा। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है इस बात को मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड किया हो, लेकिन यदि इसी बात को मैं दो घंटे पहले डिसाइड कर लेता और इस समय आपसे ये कहता तब मैं कैसे बोलता? आई एम नॉट टीचिंग यू टुमारो, मैं कल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला, बिकॉज आई एम गोइंग टू माई विलेज, क्योंकि मैं अपने गांव जाऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्शन मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड नहीं किया। यदि जितने भी सारे एक्शन या आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड करेंगे उन्हें लिखेंगे आप हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको लेने आया, आपने जल्दबाजी में फुंदी लगाई, लॉक करना घर भूल गए, रास्ते में याद आया कि आपने घर में लॉक तो डाला ही नहीं, आप क्या जाएंगे? प्लीज वेट हियर, आई विल गो एंड क्लोज द डोर, आई विल गो एंड लॉक द डोर, ठीक है ना, तुम यही इंतजार करो, मैं अभी जाऊंगा और दरवाजे में लॉक करके आऊंगा। क्या उसने पहले से इंटेंशन करके रखा था, पहले से उसने सोचा था इस बात को कि रास्ते से लौटेगा? नहीं, जो कार एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड होते हैं वो हमेशा फ्यूचर टेंस में बनाए जाते हैं। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि इस बात को मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड किया है, ये मेरा पर्सनल काम है। चलिए इसके बाद देखेंगे बी प्लस इन्फिनेटिव, और ये भी क्या बताता है? फ्यूचर प्लान बताता है। यदि मैं ये कहूं आई एम टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ, आई एम टू बाई ए कार, ये हो गया आपका बी वर्ब और ये हो गया इन्फिनेटिव। बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का यूज यदि आप करते हैं तो ये भी आपको फ्यूचर शो करेगा। ये क्या बताता है? प्लानिंग बताता है, यानी आपने प्लानिंग कर ली है कार खरीदने के लिए अगले महीने, है ना। इसके बाद हम और देखें बी अबाउट टू, ये भी आपका फ्यूचर शो करता है। जैसे आई एम अबाउट टू बाई ए कार नेक्स्ट वीक, तो बी अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव भी क्या शो करता है आपका? ये भी आपका फ्यूचर ही बताएगा। इसके बाद अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया सब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव, ये भी आपको फ्यूचर ही शो करता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है, यदि पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।